Let me continue. हम perfectly elastic collision सीख रहे थे. हमने perfectly elastic collision की काफी सारे concept, almost सारे concept मैंने बता दिए थे. When two identical masses undergo elastic collision, they exchange their velocities. When a small particle hits a massive wall at rest, मैंने समझा दिया था कि वॉल रेस्ट पर ही रहेगी और पार्टिकल रिबाउंड हो जाएगा. और तीसरा केस बताया था, व्हेन अ स्मॉल बॉडी हिट्स अ मैसिव वॉल मूविंग विद सम वेलोसिटी, देन द बॉल देयर वोंट बी एनी चेंज, एनी अप्रिशिएबल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ वॉल, व्हाइल द बॉल वुड रिबाउंड विद द वेलोसिटी यू प्लस टू टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ दैट वॉल. यह मैंने समझाया था. और फिर जो लास्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल समझाया था, दैट इज ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. यह बात मैंने समझाई थी और यह समझाया था अ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन. और इसी बात पर मैंने एक सवाल दिया था. यह सवाल था, मास m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दे अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दे अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अब ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, व्हाट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. यदि इनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. कंडीशन मैंने समझा दी थी, उस कंडीशन को अप्लाई करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. देखिए, हम कहते हैं यह दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी और कॉन्टैक्ट में आते से ही डिफॉर्म होने लगेगी. मास m1, मास m2. यह मास m1 मास m2 के कॉन्टैक्ट में आएगा और वहां पर डिफॉर्मेशन होने लगेगा. एट मैक्स पोटेंशियल एनर्जी वी विल हैव मैक्स डिफॉर्मेशन. एट मैक्स पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा. दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स, एक्स इज अ डिफॉर्मेशन, एक्स अ डिफॉर्मेशन. अब ये डिफॉर्मेशन होता क्या है, डिफॉर्मेशन एक्स डिफॉर्मेशन एक्स इज गिवन बाय अब जरा सोचिए डिफॉर्मेशन हो क्यों रहा है. डिफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी तो पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है और आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम है. पीछे वाली बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी आगे वाले बॉडी के रेस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव है, फाइनाइट है. इसलिए पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को दबाने लगेगी,
इसलिए डिफॉर्मेशन होगा. हम कहते हैं डिफॉर्मेशन x इज गिवन बाय dx by dt is equal to v1 minus v2. In fact, it's a relative velocity. This is deformation. जब तक पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तब तक बॉडी डिफॉर्म होती रहेगी. हमने जो कर्व बनाया था, देखिए हमने कर्व इस तरह से बनाया था, वेलोसिटी इस तरह से कम हो रही है और एक वेलोसिटी इस तरह से बढ़ रही है, यह v1 और यह v2. v1 कम हो रही है और v2 बढ़ रही है. तो जब तक दोनों बॉडीज की वेलोसिटी बराबर नहीं होती है, जब तक पहली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कम है, तब तक वहां डिफॉर्मेशन चलता रहेगा. डिफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि पीछे वाली बॉडी की ज्यादा वेलोसिटी. अब एट मैक्स डिफॉर्मेशन, एट मैक्स, एट एक्स इज इक्वल टू मैक्स डीएक्स बाय डीटी हो जाना चाहिए जीरो, वी रिलेटिव हो जाना चाहिए जीरो, वी वन और वी टू वी रिलेटिव हो जाना चाहिए जीरो, v1 डैश और v2 डैश उस समय हो जाना चाहिए v0, सम v0. दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए dx by dt जीरो होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए. अब यदि इधर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तो मास m2 भी v0 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा और मास m1 भी v0 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, दोनों वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी. यह मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कंडीशन होगी. इस कंसेप्ट को फिजिकली विजुलाइज करने की कोशिश करना है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो हम सोचते हैं एट मैक्स पोटेंशियल एनर्जी वी विल हैव मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? डिफॉर्मेशन की वजह से. दोनों बॉडी टकराने के दौरान वहां पर डिफॉर्मेशन आएगा, जिस जगह पर दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगी वहां पर दोनों बॉडीज दबने लगेंगी. वो जो दोनों बॉडीज दब रही हैं, वो जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसी की वजह से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बन रही है. जैसे हम स्प्रिंग को जब दबाते तो स्प्रिंग को हम डिफॉर्म करके चाहे दबाएं चाहे खींचे हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस बॉडी, हम इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी की अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मगर जब मैं इसको दबाऊंगा तो इसे दबाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा. जो भी कुछ मैं वर्क कर रहा हूं वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और यह बॉडी को रिलीज करते से ही ये अपनी नेचुरल पोजीशन पर आ जाएगी, अपनी सारी एनर्जी दोबारा बाहर कर देगी. तो पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन की वजह से इधर बन रही है, और एट मैक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज एक्स मस्ट बी एक्स मैक्स. अब ये डिफॉर्मेशन क्या होता है, यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना की आवश्यकता है. डिफॉर्मेशन हो क्यों रहा है? यदि दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती तो शायद एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कभी नहीं आती. बॉडी कॉन्टैक्ट में इसलिए आ रही है, कॉलाइड इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से, अब ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए वो इसे टच कर जाती है. अब टच करने पर पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम है, इसलिए पीछे वाली बॉडी उसको प्रेस करेगी और प्रेस करने के दौरान वहां डिफॉर्मेशन होएगा. तो डिफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है. इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिफॉर्मेशन वुड बी द
difference in the velocities. जितनी पीछे body की velocity ज्यादा होगी, deformation उतना तेजी से बढ़ेगा. तो dx by dt is v1 minus v2, and this is relative velocity. Relative velocity. Deformation relative velocity की वजह से होता है. यदि वहां कोई relative velocity नहीं होती, तो deformation नहीं होता. Relative velocity है, इसलिए deformation है. अब जब x maximum होएगा, तो dx by dt zero होना चाहिए. dx by dt मतलब relative velocity zero होनी चाहिए. मतलब v1 dash और v2 dash बराबर होना चाहिए सम v0. यह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन. नॉट ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम, थ्रू आउट फिजिक्स विल अप्लाई दिस कंडीशन. फिजिक्स में आगे कम से कम 5 चैप्टर्स ऐसे पढ़ोगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगी, मैक्सिमम करना होगा और पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम करने का यह तरीका होगा. अभी तो पहली बार बता रहा हूं, आने वाले 1.5 साल में कम से कम 5 बार हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. पहली बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार एक और बार मौका मिलता है, फिर तीसरी बार मौका मिलता है. क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है फिजिक्स का, इसलिए कईयों बार डिस्कस होता है. हर बार ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो. हो सकता है पहली बार इसका परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट क्लियर नहीं, परफेक्ट क्लैरिटी से चीज दिमाग में नहीं बैठे, मगर हर बार जब सुनोगे तो दूसरी और तीसरी बार तो ये चीज अच्छी तरह समझ में आ ही जाएगी. कैसे करना होता है, क्या करना होता है, समझ में आ ही जाएगा. अब इट्स इलास्टिक कोलिजन. कोलिजन है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए. हमने कहा है मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन. जो ट्रू एंड फॉल्स लिखा है तो उसमें पहला स्टेटमेंट उसको ट्रू बोला हमने, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं. इनिशियल मोमेंटम इज m1v1 प्लस m2v2. दिस इज इनिशियल मोमेंटम m1v1. This must be momentum when deformation is maximum, when both velocities are equal. It must be equal to m1v0 plus m2v0. अब इस condition पर मुझे v0 velocity अब मिल जाएगी m1v1 plus m2v2 upon m1 plus m2. This would be the velocity of the two bodies when we have maximum potential energy, when deformation is maximum. Here we'll have minimum kinetic energy. जब potential energy maximum हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू वुड बी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v0 स्क्वायर. यह सिस्टम की उस समय मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m सिस्टम का मास. या दोनों को सेपरेटली लिख देता हूं मैं, तो दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो है वो सेपरेटली लिख देता हूं. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m1 v0 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v0 स्क्वायर. मतलब यह जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू होगी during collision, this would be half m1 plus m2 into v0 square की जगह यह value m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 whole square. This is the minimum kinetic energy value during the collision. अब इधर से हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आ जाएगी. द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ड्यूरिंग द कोलिजन इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 v2 square minus half. इसको प्रॉपरली लिख दे, एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ m1 v1 प्लस m2 v2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. इसको यहां तक लिखा हुआ नहीं छोड़ूंगा, आगे सॉल्व करूंगा. इसको यहां तक लिखा हुआ नहीं छोड़ूंगा, आगे सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हाफ थ्रू आउट. कॉमन और m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 v1 v2 होल अपॉन m1 प्लस m2. जरा ध्यान से देखें, इसको एलसीएम लेते हुए m1 v1 स्क्वायर एक टर्म आ जाएगी, m1 इंटू m2 v1 स्क्वायर एक टर्म आ जाएगी, फिर m2 इंटू m1 v2 स्क्वायर एक टर्म आ जाएगी, m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर एक टर्म आ जाएगी, हाफ थ्रू आउट कॉमन. इसको स्क्वायर करके लिख दिया, m1 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 v1 v2 अपॉन m1 प्लस m2. ऐसा कैसे कॉपी करने के बजाय जरा स्वयं भी उसको वहीं का वहीं सॉल्व करके देखें. अब ध्यान से देखें, कुछ टर्म्स वहां पर कैंसिल हो रही हैं, m1 v1 स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल, m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर कैंसिल. और अब वहां पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन दिखेगा, हाफ m1 m2 थ्रू आउट कॉमन और अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, अब अंदर जो दिख रहा है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2. This is maximum potential energy which is half of m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 square, so v1 minus v2 होल स्क्वायर. वी वन दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. अब एक बात देखें, m1 m2 हमेशा पॉजिटिव होएगा, m1 प्लस m2 हमेशा पॉजिटिव होएगा, और v1 माइनस v2 होल स्क्वायर इट वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू.
means during collision some finite positive value of kinetic energy is converted into potential energy. Collision ke dauran kinetic energy ka ek fraction potential energy mein nischit convert hota hai, and that is this much. मैं मुझे यदि फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन, तो मैं फ्रैक्शन ऐसे लिखूंगा, ईटा मैक्स यदि पूछा है ईटा मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दिस वुड बी maximum potential energy up the initial kinetic energy. Or eta max is equal to maximum potential energy ki jagah yaha value likh deta half m1 m2 upon m1 plus m2 into V1 is V1 minus V2 whole square upon initial kinetic energy mein half M1 V1 square plus half M2 V2 square. Throughout half cancelled, the maximum fraction is given by M1 M2 into V1 minus V2 whole square upon M1 plus M2 into M1 V1 square plus M2 V2 square. यदि हमसे maximum fraction पूछा जाएगा, तो हम इस तरह से जवाब देंगे. पूरा प्रॉब्लम समझाने के बाद मैं एक बात हमेशा आपसे बार बार दोहराऊंगा, दैट इज एग्जामिनेशन में जब भी सवाल आता है, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में दे रखा हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स में दे रखा हो, जस्ट कीप पेशेंस, होल्ड ऑन, दिमाग लगाओ और धीरे धीरे इक्वेशंस को सॉल्व करते जाओ. जब हम आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, in several occasions we will find answers in such a type of expressions. हमें इस तरह के लंबे लंबे expressions answers में मिलते हैं. सवाल पढ़ो, expression देखो, तो एकदम से लगता है बाप रे क्या चीज कैसे आएगी, मगर gradually धीरे धीरे यदि हम करते जाएं, धीरे धीरे concept लगाते जाएं, तो हम इस तरह के expressions अपने आप obtain कर लेते हैं. You need to do practice with such a type of problems. जो आपको sheets दी जा रही हैं, उन sheets पर problems पर बार बार आप attempt लगाते रहो, धीरे धीरे gradually आपका level हो जाएगा कि आप स्वयं इस तरह के problems करने लगोगे और answer भी लाने लगोगे. आवश्यकता है तो सिर्फ practice करते रहने की, हिम्मत नहीं हारने की, ये नहीं सोचने की यार कैसे होएगा इसमें, धीरे धीरे होने लगेगा. नाउ दैट्स ऑल रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन के बारे में इतनी ही थ्योरी मुझे बतानी है. अब मैं आपको समझाऊंगा नॉन इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, उससे रिलेटेड कंसेप्ट.